के इस सोच के बच्चों को आप एक प्लेटफार्म पर लेकर आए हो कि जो हरियाणा के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं और कुछ एक संकल्प करना चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने शहर को कैसे आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में लेना चाहूँगा अपने जीवन के। जब मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था तो जिस तरह की चर्चा हम बच्चों के अंदर चलती थी, तो एक वर्ग बड़ा हमारे ऊपर हावी था कि जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग था, मैं बहुत मीडियम फैमिली से आया हूँ, साधारण परिवार से आया हूँ, वो छात्र संघ के चुनाव हों तब वो प्रभावी रहते थे, थोड़ा बहुत उनके साथ मसल मैन रहते थे, तो आम पढ़ने वाला बच्चा, प्रोग्रेसिव माइंड का बच्चा दब के रह जाता था, अपने मन की बात अच्छी नहीं कर पाता था। लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उस समय वो पढ़ के जब अच्छे मार्क्स लेकर आता था, मेरिट पे आता था, और दूसरी तरफ जो नोटोरियस बच्चा होता था, जो कम पढ़ने लिखने वाला होता था, शरारती रहता था, झगड़े में रहता था, ग्रुपबाजी में रहता था, तो उसके मार्क्स हमेशा कम आते थे। या उस समय थोड़ा बहुत टीचर्स या कोई ऐसे लोग जो नकल करवाने वाले थे, प्रभाव में आकर कुछ बच्चे नंबर अच्छे भी ले जाते थे। मैं ये नहीं कहता सब जगह ऐसा था, लेकिन वो चलो नंबर कम भी आते थे तो अपने प्रभाव के बल में अच्छे कॉलेजेस में आगे एडमिशन ले लेते थे। और जीवन के उस चक्र में, क्योंकि अच्छे पैसे वाले परिवार के वो बच्चे थे, पॉलिटिकल फैमिली के बच्चे थे, जब नौकरियों की बारी आती थी, जब कोई उनको जॉब लेनी होती थी तो तब सिफारिश से नौकरी मिलती थी, तो पढ़ने वाले बच्चे को जीवन के अंदर बहुत मुश्किल से, कोई सरकारी नौकरी का नाम नहीं, प्राइवेट जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो जीवन के एक, जिसको कहते हैं, संघर्ष में एक फेलियर सा दिखता था। और जो बच्चा कॉलेज के टाइम में भी सीरियस नहीं था, पढ़ाई में भी ठीक नहीं था, जो नकल मारकर डिग्री लेता था, वो नौकरी के मामले में भी वो उनसे आगे निकल जाता था, सरकारी नौकरी लेकर उन्हीं के ऊपर आगे बैठा होता था। तो हालात एक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा, समाज के अंदर डिमोरलाइजेशन आ जाती थी कि यार पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी स्कूल में कॉलेज में, और बच्चा वही सामान्य जीवन में या अपने जीवन के अंदर वही कामयाब हुआ, दिखता था वो पे। तो एक समय ऐसा आया लोगों का, किताबों से, कोचिंग से, पढ़ाई से मन हटने लग गया था। ये कई सालों बाद मैं समझता हूँ कि राजनीति के संत के रूप में जो माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने आज आप मनोहर संघ युवा जो आपने ग्रुप बनाया, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा विश्वास खास तौर पे युवाओं के अंदर पैदा किया है कि भी जो कुछ अब हो गया, बीती ताही विसार, तो उन चीज़ों को तो वापस ला नहीं सकते, जो सिफारिशी नौकरी पे भर्ती हुए या जो पैसे के बल पे नौकरी में भर्ती हो गए, अब उनको हटाया तो जा नहीं सकता सरकारी, लेकिन मैं हूँ, मेरे होते हुए एक अच्छी नई शुरुआत हो ताकि आगे आने वाले समाज को सारी प्रेरणा मिले, ऐसा काम, कठिन काम उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, वर्कर्स मीटिंग के अंदर मैं कई बार देखता था माननीय मनोहर लाल जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, कई बार आलोचना का शिकार होना पड़ता था। हमारे ही साथ बीच में से कुछ कार्यकर्ता कहते थे, भाई इतनी मुश्किल तो अपना राज थे ही, अपने को नहीं लागेंगे फिर फायदा क्या होगा, तो हमें लगना ही चाहिए, हमारा बच्चा लगना चाहिए, इस तरह की बात कहने वाले बहुत कार्यकर्ता थे। लेकिन धीरे धीरे जब समाज से अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ, आम गांव में, ग्राम में, जब एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा, रेड़ी लगाने वाले का बच्चा, रिक्शा वाले का बच्चा, खेत में मजदूरी करने वाले का बच्चा, जब अपनी काबिलियत के बल पे, बिना सिफारिश के, बिना पर्ची के और बिना खर्ची के नौकरी लगने लगा, तो जब समाज से सराहना मिली पिछली सरकार के बाद, जब दोबारा ये सरकार बनी, तो अपने कार्यकर्ता का मनोबल भी अच्छा हो गया। आज मैं कहता हूँ कि थोड़े समय के लिए एक अंधेरा सा जो लगता था, वो आज एक उम्मीद की किरण में बदल चुका है। इसका श्रेय मैं आप सब युवाओं को, जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरह की नीतियों को लागू किया कि पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति, चाहे भले ही वो गरीब परिवार का है, भले ही उसके पास राजनीतिक सिफारिश नहीं है, उसका राइट उसको मिलना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने बेटे का देना चाहूँगा। मेरा बेटा प्लस टू करके आया, तो उसके बाद वो कॉलेज के DU का एग्ज़ाम देने के लिए गया, तो प्लस टू में उसके पास 95% मेरे बेटे के नंबर थे, ध्रुव है उसका नाम, तो वो स्पोर्ट्स भी था, बैडमिंटन का बेस्ट प्लेयर था अपने स्कूल का, तो उसने स्पोर्ट्स कोटे में भी अप्लाई किया। अगर वो
उसको मार्क्स मिल जाते तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उसका एडमिशन आता। तो तीसरे राउंड में, तीन राउंड जीतने के बाद चौथे राउंड में वो हार गया मेरा बेटा। तो लाडला साहब मेरे पास आया, मैं कहा बेटा, कहता पापा मैं हार गया चौथे राउंड में। मैं कहा बेटा तू बताता मेरे को, तेरे को पता नहीं मैं राजनीति में हूँ, मैं तेरे को, मैं उसका मन चेक कर रहा था कि बच्चे के मन के भाव क्या है। तो मैंने कहा बेटा तू मुझे बताता, मैं कोई ना कोई तेरे लिए कोशिश करता, तेरा स्पोर्ट्स कोटे में हो जाता। कहता नहीं पापा, वो बच्चा अच्छा खेला, उसका राइट बनता था, उसका ही होना चाहिए। तो एक मन में उसके विचार आए, क्योंकि ये समाज का परिवर्तन मैंने नोटिस किया वो छोटे से बच्चे के अंदर। हो सकता है परिवार के अंदर हमारे संस्कार भी ऐसे हैं कि बिना बात के कोई फेवर नहीं लेनी। तो उस बच्चे ने ये मेरे को जवाब दिया और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ मैं बच्चे के अंदर चाहता था वो उसके अंदर है, और समाज भी आज उस दिशा की ओर बढ़ रहा है, आप लोग भी उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये अवेयरनेस समय करनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत मैं समझता हूँ हमारे समय में कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के आपस में लड़ाई झगड़े के टाइम ग्रुप बन जाता था कि ये इस गांव का है, ये शहर का है, या ये उस मोहल्ले का है, आपस में ग्रुप बन जाता था लड़कों का, या कभी कास्ट के बेस पर भी ग्रुप बन जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। तो आज भी वैसा ही है, कास्ट के बेस पर राजनीति में लोग भाग लेने लग गए हैं, यार मैं तो इसको वोट इसलिए दूंगा ये अपनी जाति बरादरी का। अगर ये चीज़ कोई समाज के अंदर तोड़ सकता है तो वो युवा तोड़ सकता है, जो मेरी जैसी आयु के लोग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो जाते हैं, स्वार्थ हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उस पर्सनल इंटरेस्ट की बात या स्वार्थ की बात अगर आपके सामने संजय भाटिया भी करता है तो उसको भी कंडेम्ड करना चाहिए, उसका भी विरोध होना चाहिए। और ज़बरदस्त एक युवा, हमारी जाति ही इंसानियत है, इस बात को लेकर आगे बढ़ेगा तो 100% परिवर्तन समाज के अंदर होके रहेगा। और मैं इस सोच को लेकर अभी मैं बड़ौदा इलेक्शन के अंदर मेरी ड्यूटी है, संगठन की तरफ से लगी है। इस दौरान मुझे यहाँ पे काम करते हुए कई अनुभव, बड़े अच्छे अनुभव मिले और मुझे सीखने का मौका मिला। मैंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और पहली बार मैं सार्वजनिक तौर पर मैं शेयर कर रहा हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए इस रिश्वतखोरी को, पर्ची खर्ची वाली बात को तोड़ने का प्रयास किया है, मैं भी आज आप लोगों के सामने पहली बार सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, इस तरह की राजनीति के अंदर जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, जो कास्ट बैरियर्स हैं जिसके आधार पर लोग निर्णय करते हैं, या पॉलिटिकल लोग भी उस तरह से मोल्ड होते हैं, उस सारी बीमारियों को, उस सारी गलत बातों को तोड़ने का प्रयास करूँगा जो इस तरह की राजनीति करते हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस बात के ऊपर प्रयास करूँगा। ये आप मेरे बच्चों के सम्मानों में आपके सामने संकल्प लेता हूँ। बातें और भी बहुत हैं लेकिन मैं इलेक्शन यहाँ पर अपने बीजेपी के ऑफिस में बैठा था तो मेरे को कॉल आई कि मुझे जुड़ना चाहिए और मैं आपके रूबरू होना चाहता था। तो मैं अपने मन की बात एक दो बातों को, विषयों को लेके की है। अब हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा। मुकेश जी से भी प्रार्थना करूँगा कि समय समय पर जब भी ऐसा करें तो मुझे ज़रूर जोड़ें, और मेरे बातचीत के बाद किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, एक दो बच्चों के मन में, तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उनके मन का संशय और जिज्ञासा को पूरा कर सकें।